अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपके लिए एक वीडियो आज लेके आया हूँ जिसमें हम लोग एक एस्ट्रोलॉप हेरिटेज का सेटअप लगा रहे हैं और उसके लिए हम चिलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। आपको चिलर सिस्टम के बारे में सारी गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँगा ऑन द वे, किस तरह से बनाया है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्या इसके फिजिबिलिटीज़ हैं, आगे आपको किस तरह से ये बेनिफिट देगा, कितना तक आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सकता है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एग्स की परसेंटेज जो है वो गर्मियों में भी बेहतर रहेगी और बर्ड्स का जो मुंह खुल जाता है और एक्सपेंसिव बर्ड जो लोग रखते हैं, ठीक है, वो भी जो है इनको इजीली अपने शेड्स में रख सकते हैं। हर एक सिस्टम जो है वो बेसिकली उसकी फिजिबिलिटी डिफरेंट होगी। अगर आपके पास छोटा सेटअप है तो छोटे सेटअप की फिजिबिलिटी डिफरेंट है, बड़े सेटअप की फिजिबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है। ये हम बेसिकली शीट्स थी जिससे कि वो मंगवाई थी, उनके साथ हमने ये कुछ डक्ट सिस्टम जो है वो रेडी किए हैं, ठीक है। वो मैं आपको साथ साथ विज़िट करवा देता हूँ। अभी डक्ट्स तैयार करते जा रहे हैं हम लोग साथ साथ और इसको फिर एक ही गो में प्लेस करके और एक बड़ी लंबी डक्ट बनाएंगे जिसमें चिलर सिस्टम जो है वो बेसिकली उसकी हवा की थ्रो सारी आएगी। ये बेसिकली तीन चार चार के पीस हमने भी बनाए हैं, इनको भी जोड़ेंगे, ऊपर टांगेंगे, टांग के इसको जोड़ लगाएंगे। इसमें हमने बेसिकली विंडोज़ भी प्लेस की हैं जिसमें से हमने वेंट्स देने हैं एयर की सर्कुलेशन के लिए, एयर की गुजरने के लिए। ये मैं आपको इसकी विंडोज़ भी दिखा देता हूँ। ये जो सिस्टम साथ साथ जोड़ रहे हैं ये देखिएगा, ये एक विंडो आपको मैं दिखाने लगा। इसकी विंडो से आप इसकी ओपनिंग जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहें, ज़्यादा ओपन करना चाहते हैं ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, कम इसकी ओपनिंग रखना चाहें तो उसकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी ओपनिंग रख सकते हैं हवा की निकलने के लिए, ठीक है। और ये सामने हमने एक फ़ैन इंस्टॉल किया है अभी, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो मोटर की है वो 3 हॉर्स पावर मोटर की कैपेसिटी है और इसकी जो पंखे का डाया है वो 2.5 फिट डाया है इसका जो बर है। इसकी जो थ्रो होगी वो थ्रू आउट द शेड जो है वो जाएगी। ये तकरीबन कोई 75 फिट लॉन्ग शेड है, इसमें इजीली जो है वो 75 फिट तक इसकी थ्रो जाएगी। और ये टेम्परेचर एक्सपेक्टेडली, हालांकि शेड ये काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 2100 स्क्वायर फिट जगह है और 10 फिट की हाइट है शेड की, लेकिन ये तकरीबन टेम्परेचर जो है वो राउंड अबाउट मेरा ख्याल है कि 28, 27, 29 तक जो है वो मेंटेन कर पाएगा, ठीक है ये सिस्टम। खैर इसमें बाकी फिजिबिलिटी, अभी कूलर रेडी हो रहा है, कूलर की मैं आपको फिजिबिलिटी बता दूँगा। ये अगली डक्ट है, आखिरी डक्ट जिसके साथ हमने इसको अटैच करना फ़ैन के साथ, और ये लास्ट ये स्क्वायर डक्ट जो है वो आगे स्क्वायर्स के साथ इनके साथ अटैच होगी। और इसकी बाकी बैक डक्ट बनेगी, वो पीछे बैक सिस्टम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड पे जो सिस्टम होगा वो कूलर सिस्टम या कूलिंग सिस्टम या चिलर सिस्टम जिसको बोल लें वो होगा, जिसमें बेसिकली कूलिंग पैड्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड होंगे, उनके ऊपर पानी चलेगा और वो सकिंग करेगा, ये जो फ़ैन है वहाँ से अपनी एयर सक करेगा। ये कुछ ठंडी जगह है प्रॉपर जिसके ऊपर हमने यहाँ पे कूलर सिस्टम जो है वो प्लेस करना है। और ये आप देख सकते हैं फ़ैन और उसकी मोटर जो लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम कूलर सिस्टम जो है वो चिलर सिस्टम रखेंगे और चिलर सिस्टम के अंदर से डक्ट निकाल के इसके साथ अटैच करेंगे। चारों साइड्स पे पैड्स होंगे 6 इंच के, और 6 इंच के पैड होंगे और नीचे से पानी उठा के मोटर उन पैड्स के ऊपर गिराएगी और वो पानी जो है उस वो ठंडा करेगा उन वेंस को, जब एयर जो हैं वो पास होंगी, जो ये जो हनी कॉम्ब्स होती हैं उसकी इसकी ये जो हमारे पास कूलिंग पैड्स आते हैं उनकी जो हनी कॉम्ब्स होती हैं उनके अंदर से जब ये पास ऑन होगी एयर, जब ये सक करेगा पंखा, तो वो ठंडी ठंडी यख जो है वो हवा जो है वो पास करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें कूलर सिस्टम जो है वो चिलर सिस्टम इंस्टॉल करने लगे हैं जिसको हम फ़ैन के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद मैं इसकी वर्केबिलिटी भी आपको बता दूंगा, इनके एक्सपेंसेस भी आपको मैं साथ साथ बता दूंगा और क्या इसकी फिजिबिलिटी है, टेम्परेचर क्या इसके ऊपर हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं, वो भी सारी मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल्स बता दूंगा। अभी हम इनका चिलर रेडी करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं, ठीक है। वो फिर मैं आपको उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला आगाह कर देता हूँ। अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ये हम इसको जोड़ रहे हैं, डक्ट को साथ साथ जोड़ते चले जा रहे हैं और जोड़ जोड़ के हम पीसीज में बनाते जा रहे हैं। बाद में हम एक ही पीस इसको यहाँ पे हैंग कर देंगे। ये हमने ऊपर जो है वो लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं इसको हैंग करने के लिए, ठीक है। सो इसको हम हैंग करके डक्ट को फिर उसके बाद अटैच कर देंगे
पंखे के साथ, फैन के साथ, सारी डक मुकम्मल थ्रू आउट शेड में जो है वो सारी हवा जो है वो पास होती रहेगी। व्यूअर्स, ये हमने इसका आउटर सिस्टम बनाया है, जो चिलर है, बेसिकली चिलर के लिए बॉडी तैयार की है 5 फीट बाय 5 फीट की, और इसके अंदर पैड्स इंस्टॉल करेंगे और इसके ऊपर फ़ैन के साथ कनेक्शन कर देंगे। ये पैड्स हैं 6 इंचज के, ठीक है, और 4 फीट बाय 3.5 से 3 फीट का एक एक पैड है इसका। चारों साइड पे पैड देंगे और अपर साइड हम इसकी फ़ैन के साथ मिला देंगे। ये फैन है बेसिकली, ये आगे डक्ट सिस्टम है, इसके साथ अटैच करते रहेंगे और आगे वो डक्टें इसके साथ अटैच होती जाएंगी। जी तो व्यूअर्स, आज हम आपको इसका एक फाइनल ओवरव्यू देने लगे हैं और इसका टेम्परेचर मेंटेन की आपको बताते हैं कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। आज 12 जून है और ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है। ये पैड्स हैं जिनके ऊपर पानी चल रहा है, ये आपको पैड खोल के दिखाते हैं लड़के कि अंदर क्या सिस्टम है इसके और ये टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहा है। उसके बाद मैं आपको शेड का भी दिखा देता हूँ सिस्टम। इसके साथ मोटर एक अटैच की हुई है हमने, जिससे ये देखें पानी तकरीबन सब चैनल्स के ऊपर चल रहा है, सब पैड जो है वो भीगे हुए हैं माशाल्लाह से पूरी तरह से। नीचे इसकी ये टंकी है और वो फ्लोट वाल लगा हुआ एंड पे, जो पानी की कमी होती है तो वो खुद ही सक करके तो पूरा कर देता है, क्योंकि बैक साइड पे इसके हमने टंकी सिस्टम लगाया हुआ है। और पंखा जो है वो इसके अंदर ऊपरली साइड पे लगा हुआ है, जो कि शेड के अंदर हवा प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम। इसको क्लोज करते हैं आप लोग। ये पानी है जो सारा का सारा पैड्स के ऊपर चल रहा है, वेंस के ऊपर चल रहा है, और मैं अब आपको इसका अंदर से सिस्टम दिखाता हूँ और टेम्परेचर दिखाता हूँ कि कितना मेंटेन कर पा रहा है। ये इसके पैड्स हैं जो कि तकरीबन सारे के सारे माशाल्लाह वेट हैं, और ये इनका पाइप लगा हुआ है जो कि फ्लोट वाल पुल कर रहा है वहाँ से वाटर जो ज़रूरत पड़ती है। ये एस्ट्रोलॉब का हेरिटेज का सेटअप है हमारा, रिंग बर्ड्स का माशाल्लाह। आपको मैं इसका टेम्परेचर दिखा देता हूँ। पहले मीटर पे 29.7 है, दूसरे मीटर पे 29.4 है, और थर्ड मीटर पे 29.8 है टेम्परेचर, 29.9 टेम्परेचर है। बर्ड आप देख सकते हैं माशाल्लाह, कोई भी बर्ड जो है वो मुंह खुला हुआ नहीं है, कोई भी बर्ड जो है वो हांफ नहीं रहा पूरी तरह से, ठीक है माशाल्लाह। सब बर्ड जो हैं वो इस वक्त हेल्दी, एक्टिव और कुछ कंडीशन में खड़े हुए हैं। ये डक्ट है जो हमने इंस्टॉल की थी, जिसके अंदर फ़ैन जो है वो थ्रू कर रहा है हवा, और आगे ये बर्ड सब जो है वो नीचे डक्टिंग के थ्रू जो है वो जा रही है। ये हमारी डक्ट इंस्टॉल्ड है, थ्रू आउट शेड यही चल रही है, और ये तकरीबन मैक्सिमम टेम्परेचर 32 तक जाता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहा टेम्परेचर को। माशाल्लाह से ये हमारा जो सिस्टम है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी भाई को इसकी फिजिबिलिटी चाहिए किसी किस्म की, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसके लिए भी हेल्प आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा शेड इसने माशाल्लाह से जो है वो डक्ट ने कवर किया हुआ है। ये आउटर साइड है, इसकी हमने तरपालें भी उठाई हुई हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है कभी थोड़ा सा टेम्परेचर एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़े तो तरपालें भी हम लोग गिरा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। आपको अगर कोई चीज़ इसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई किसी किस्म की रिक्वायर्ड है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। हमारे भाई जो दोस्त परेशान हैं गर्मी की वजह से, उनके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है जो कि हम लोगों ने ये सिस्टम डकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत अच्छा माशाल्लाह से ये वर्क कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।